इसकी वजह से मेरे को ऐसा करना पड़ता है। भाई नए वर्कर है, हालत हो जाएगा दो तीन दिन तक। हम जा सो गए, हम जा सो गए, अच्छा नहीं है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो आप लोगों का फिर से स्वागत है। सो काफी लंबे दिनों बाद आज जाके घूमने का मौका मिल रहा है। मौसम हल्का हल्का बारिश, मौसम पूरा काला है। सो बट अभी मैं जा रहा हूँ बाजार, बाजार के बाद भी कहीं जाना है। सो मैं पूरा दिखाऊंगा अभी कहाँ कहाँ जा रहा हूँ, क्या क्या करना है। और ऑब्वियसली बात है, हर बार की तरह मेरी धन्नो ही मुझे साथ देगी कहीं पर भी जाने के लिए। सो चलो अभी चलते हैं नीचे बाजार की तरफ सबसे पहले, तो उसके बाद कहीं और जाएंगे, फिर दिखाएंगे आप लोगों को कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या खा रहे हैं, क्योंकि बड़े दिनों बाद छुट्टी मिली है तो कुछ खा ही लेते कुछ तो करना हो जाएगा। ठीक है चलो बाय बाय। सो गाइस अभी के लिए टंकी भर चुका है, बट मैं बनाने इसको आया था क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये इसकी वजह से मेरे को ऐसा करना पड़ता है, और ये लगता भी नहीं कभी, पता है यार। क्या बेचारी मेरी धन्नो यार, हर जगह से बीमार है। एक ये मीटर नहीं चलता है, फिर ये ख़राब है, ज़िंदगी बेकार है इस धन्नो की। अब कितना बनाए यार, एक बनाता हूँ दूसरा ख़राब हो जाता है। ये पेट्रोल पंप है, ये तो देखा है ना आप लोगों ने यार, कितने बार देखना मेरा पेट्रोल पंप, हमारा पेट्रोल पंप। तो चलो अभी चलते हैं नीचे कुछ खाते हैं, बिकॉज सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया हम लोगों ने। चलो बाय बाय। ये अभी मेरा धन्नो का की लॉक चेंज होने वाला है। अभी जैसे दिखाया ना मैंने, स्कूल से खोलना पड़ता है, बट वैसे तो ऊपर इनका दुकान है जो कि मेरे को लगा कि वो बंद है एक दो दिन से, बट मेरी गलत फहमी है क्योंकि इन्होंने यहाँ पर शिफ्ट कर लिया। सो ये इनका नया शॉप यहाँ पर खुला है बैजनाथ, मतलब पेट्रोल पम्प से थोड़ा सा आगे ही है। सो चलो अभी मेरा चेंज हो रहा है, सो बेचारी मेरी धन्नो थोड़ी अच्छी बन जाएगी, नई बन जाएगी, थोड़ा इससे थोड़ा छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है चलो, ये जब बन रहा है तो दिखाता आप लोग, ठीक है दिखाता हूँ। ये अभी चेंज हो रहा है इसका, ये पूरा ना, हाँ तो ये पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारे को स्क्रू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भाई नए वर्कर हैं शायद, तो पहले नहीं थे, ये हमारे पुराने भैया जी जो कर रहे हैं अभी स्कूटर को, तो इनका ये दुकान। चलो अभी पूरा बनने के बाद दिखाता हूँ, ठीक है पूरा होने के बाद। चलो बाय बाय। तो गाइस फाइनली मेरी धन्नो बन चुकी है। सो ये इसका लगाया मैंने नया टंकी, बट ओरिजिनल तो नहीं मिला, बट ओरिजिनल जैसा भी है ठीक ही है, बट खैर इसमें हवा नहीं जाना चाहिए, और तो क्या प्रॉब्लम है। तो अभी ये बन चुका है, अभी मैं जा रहा हूँ बाज़ार, बाज़ार में कुछ खाते हैं। मंगलवार के वहाँ एक स्पेशल चीज़ मिलता है जो मैं हर बार खाना पसंद करता हूँ। ठीक है तो चलो चलते हैं अभी, बाय बाय। सो यस, ये है वो चीज़ जिसके लिए हम आए हैं, कुरकुरे मोमो। ये आप लोगों को पता है पहले से ही, टेस्ट सबसे अलग, इसलिए मेरे को खाना पसंद है बार बार यहाँ पर। सो इसको खाएंगे, फिर हम भीड़ जाएंगे, भीड़ के बाद वहाँ पर कुछ खाएंगे क्योंकि रमेश वेट कर रहा है, तो इसलिए मेरे को जल्दी जल्दी खाना है और जाना है। तो इसका मज़ा सिर्फ मेयोनीज का। तो दोस्तों अभी मैं पहुँच चुका हूँ भट्टू अगेन फिर से, क्योंकि रमेश यहाँ पर आया है, दिल्ली से बड़े टाइम बाद आया था ना, तो इसलिए हमने सोचा इकट्ठे चलते हैं। एंड जैसे तो भट्टू वालों का घर वगैरह जो कुछ भी आप लोगों को पता ही है सब कुछ, ये अभी नया बिल्डिंग बन रहा है। सो अभी मैं जाऊंगा, रमेश को बुलाऊंगा, फिर मैं और रमेश जाएंगे भीड़, एंड भीड़ में कुछ कुछ लेंगे, खाएंगे भी, फिर आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है चलो अभी इसको आने दो, बाय बाय। हम लोग फाइनली भीड़ पहुँच चुके हैं। वो यहाँ भी खुल गया तो नया, कितना कैफे खुल रहा है यहाँ वगैरह में, तो वहाँ पर भी एक खुल गया है। अभी नए नए सब जगह खुल रहे हैं, तो ये सब भाई एक टाइम कुछ भी नहीं था, नहीं एक टाइम पे नहीं, अब ये भी बन जाएगा, अब कुछ टाइम बाद देखना। यहाँ तो अब लोग कम और रेस्टोरेंट ज़्यादा हो जाना। हाँ मौसम तो ठीक है रहा इधर, नहीं गाइस। ये रहा भीड़ का लैंडिंग पॉइंट, एंड लोग उड़ रहे हैं यार, पता नहीं भाई साहब ऐसे मौसम में भी क्या उड़ना यार, जान जोखिम में डाल के। सो गाइस अभी हम लोग भीड़ पहुंच गए हैं, एंड यस रमेश भी है, काफ़ी लंबे वक्त के बाद फिर से ब्लॉग में आ रहा है, तीन महीने के बाद रमेश। तो अभी हम लोग जाएंगे, पहले थुप्पा लेंगे अपने लिए, घर के लिए भी, और उसके बाद कुछ खाएंगे, गर्मा गर्म खाना पड़ेगा। ठीक है
चलो चलते बाय बाय। तो गाइस अभी हम लोग जो सबसे अच्छा लगता है बीफ में, जिसके लिए मैं मेरे को मिर्ची बिल्कुल लगती है, वो खा रहे हैं लाफिंग। ये कुछ पैकेट है बच्चों के लिए, भट्टू वाले बच्चों के लिए, क्योंकि सेल में मैं देता रहता हूँ। तो ये क्रोसेंट है, तीन फ्लेवर है, चार फ्लेवर है, चॉकलेट, ऑरेंज, वेनीला और पता नहीं कौन सा फ्लेवर है ये। सो चलो अभी उसके बाद हमने ये हमारा थप्पा भी हो गया पूरा का पूरा, इसमें 3 किलो है, फट जाएगा नहीं तो ये जल्दी जल्दी। और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, फिर से बारिश शुरू होने ही वाला है बूढ़े बूढ़े। और अभी लाफिंग आएगा हमारा, तो उसके बाद लाफिंग खाएंगे फिर जाएंगे। ठीक है, बाय बाय। ये आ गया हमारा लाफिंग और रमेश का, और फिर पहले खाया यहाँ पे नहीं खाया तो रमेश का ये फर्स्ट टाइम है, इसमें मिर्ची कम चाहिए था। कैसा है, जल्दी बोलो, इतना लंबा टाइम नहीं है मेरे पास बिल बनाने के लिए। बट खैर यहाँ पे स्पाइसी कभी नहीं लगता क्योंकि अच्छा लगता है यहाँ। ठीक है, सो मुँह में पानी आ चुका है। इतना मिर्ची पहले नहीं लगता था, बट इस बार शायद चटनी थोड़ा अलग बन गया इनका, तो इसलिए इतना मिर्ची ज़्यादा लग रहा है। धुआं निकल गया भाई, फोन आ रहा है। चलो अभी हम जा रहे हैं घर को। सो घर पहुँचने के बाद तो नहीं खाना सही है उसके लिए, तो ये हाँ तो उसका हालत हो जाएगा 2-3 दिन तक। हम जा सको हम जा सको अच्छा नहीं है। तो चलो बाय बाय, अभी नीचे जाके मिलते। ठीक है, तो दोस्तों एक ये भी जगह है जहाँ पर हमारा सेल जाने का रास्ता है, और ये भी इतना गंदा कर चुके, मतलब इतना ख़राब भाई साहब, अब तो ऐसा लगता है कि मतलब सबसे बेकार रोड यहीं का ही है। इतना बेकार यार, मतलब बाइक के चलाने को तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। ऊपर से मेरी बाइक धन्नो तो बेचारी इस रोड के तो बिल्कुल भी नहीं बना मेरा धन्नो, कि क्या करे अब गाइस, कुछ नहीं हो सकता, जितना मर्जी बना लो ऐसा ही हो जाता है यहाँ का रोड। ये तो पिछले एक साल से ऐसा कैसा ही है, ये वाला रोड तो पता नहीं कब ठीक होगा ये। देखो गाइस इतना गंदा रोड है यार, एक नहीं दो नहीं 3-4 जगह में भाई, आज तो जहां पर भी गया हर जगह पे रोड खराब, हर जगह पे। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं अपने घर। भाई साहब बहुत ही ज़्यादा ठंड था, और रास्ते तो भाई क्या बोलूँ इतने बदतर, नीचे बैठा जाने के लिए रास्ता ख़राब, भट्टू जाने के लिए रास्ता ख़राब, बीर जाने के लिए रास्ता ख़राब यार, और यहाँ से लाने के लिए तो और ख़राब रास्ता। तो चलो खैर रास्ता जितना भी ख़राब हो, हम अपने घर पहुँच चुके हैं। एंड यस आई होप आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आया होगा थोड़ा बहुत, तो बहुत ज़्यादा पसंद आ गया तो और अच्छी बात है। सो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने दोस्तों को फैमिली को जब ज़रूर बताना, एंड कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिखना मत भूलना। ठीक है, सो तब तक के लिए हम जल्दी जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। नेक्स्ट ब्लॉग कहीं का लंबा टूर आएगा शायद, तो उसके लिए आप लोग रेडी रहना। सो बाय बाय।